बॉलीवुड के पावर स्टार पवन सिंह और काजल राघवानी एक बार फिर एक साथ आ रहे हैं। फिल्म का नाम है धर्मा। जी हाँ, इस फिल्म में ये दोनों साथ आएंगे और इस फिल्म की शूटिंग इन दिनों वाराणसी में चल रही है और इसकी जानकारी खुद काजल राघवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फ़ोटो पोस्ट करके दी है। वैसे भी आजकल काजल राघवानी जिस तरह से इंस्टा पर अपनी रील बना रही हैं उसे देखकर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। काजल राघवानी के हुस्न के चर्चे इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री में आम हुए हैं। वैसे आपको यहाँ ये बता दें कि काजल राघवानी ने जब से खेसारी का साथ छोड़ा है, या यूँ कह लें कि साथ रहकर भी नहीं है, उन्होंने भोजपुरी के कई अलग अलग बेहतरीन हीरोज़ के साथ स्क्रीन शेयर की है और उनमें से पवन सिंह एक है। वैसे भी आपने देखा होगा कि काजल के उस इंटरव्यू से सबसे ज़्यादा विवाद हो गया था जब काजल राघवानी ने ये कहा था कि वो पवन सिंह की वजह से स्टार बनी है, ना कि खेसारी लाल यादव की वजह से। और उसी इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव की जमकर धज्जियां उड़ाई थी काजल राघवानी ने। ये बात और है कि आज ये दोनों में फिर से दोस्ती हो गई है और काम को लेकर ही सही, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ अब काम करने के लिए तैयार है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब इन दोनों के बीच इस तरह के विवाद खड़े हुए हों। इससे पहले भी कई बार खेसारी की पत्नी को लेकर विवाद खड़े हो चुके हैं, लेकिन हर बार खेसारी उसे सलटा लेते थे। कई बार तो खेसारी और खेसारी की पत्नी में इतने बड़े विवाद काजल राघवानी को लेकर खड़े हो गए कि खेसारी को अपना घर तक छोड़कर हम आगे चलते हैं और आपको ये बताते हैं कि काजल और पवन की इस फिल्म को लेकर काजल काफ़ी एक्साइटेड हैं। काजल का कहना है कि इसमें इनका रोल काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट तरीके से इस रोल को लिखा गया है और उसमें ये हीरो के इर्द गिर्द नाचती नहीं नज़र आएंगी, एक मुख्य इस तरह का किरदार न करती हुई नज़र आएंगे जिसे ऑडियंस रिलेट करे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।